हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैन वर्सेस वाइल्ड में। ये है मैन और ये है वाइल्ड। बहुत ही प्यारी लोकेशन पर हम आ चुके हैं। क्या बात पर बहुत कीचड़ है यहाँ पर यार, हर जगह पानी पानी और पानी। कैसे एक्ट करें? आ जाओ। हम जा रहे हैं वी से विकास का घर देखने। ये है मेरा घर, देख रहे हैं जंगल के पास। और ये बहुत मजा आ रहा है। कहीं की बात कर रहे हो तुम? मुझे लग रहा है यहीं रह जाऊंगा। छाप छाप छाप, फिर से कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। दिन में 50 कपड़े चेंज करूंगी, फिर धोएगा कौन? पापा मेरे। चुप रहो। अरे मैं सोच रहा कुछ बताता हूँ, ये सीरियसली लेती ही नहीं है, ये सब बातें यहाँ पे है। तुम्हें सीरियस कौन लेता है, तुम मुझे ये बताओ। देखो आपका मत आओ। छप 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 छप। मैन वर्सेस वाइल्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा घर ना है, और ये मेरी स्लीपर मैंने हाथ में ले ली है। ये नदी है, नंगे पाँव चलना पड़ेगा क्योंकि फिसल, मेरे पैर में चोट लगी है, मैंने क्रैप बैंड लगाया। पर इन लोगों को मुझ पे बिल्कुल दया और प्यार नहीं है, जो लोग मुझे यहाँ तक ले आए हैं और बिल्कुल भी मेरे लिए रुक नहीं रहे हैं। और मुझे अकेला कर दिया क्योंकि मैं एक अकेली बेचारी लड़की, बेचारी तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब हाँ एक अकेली लड़की हूँ ग्रुप में। तो इन लोगों का अपना खुद का टीम है बॉयज़ का, जो कि क्या ही बोले, दे आर नॉट गुड पीपल बट दे आर रियली हेल्पफुल एंड गुड फॉर मी। क्या ही बोलना चाह रही हूँ मैं, मतलब हाँ ये बुरे लोग हैं पर अच्छे लोग हैं। मैं अगर कहूँ जीव है मेरे साथ, ये सचिन है, मैन इन ब्लैक। लप्पू से सचिन, क्या है सचिन में? यहाँ पे बहुत सारे कीड़े हैं जो कि आप खा सकते हैं, स्वाद कम है पर प्रोटीन ज्यादा है। जाना तो पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। मैं ऊपर से निकल जाऊंगा, रास्ता नहीं अभी। सृष्टि आप उधर चल के चले जाओ। अच्छा मैं वापस अकेले जाऊं, है ना? यही चाह रहे हो तुम? वापस चल लेंगे वहां। मैं भी जाएंगे तो अरे यहां से उस पत्थर, वहां से वहां उस पत्थर। अरे पत्थर चलो चलो। यहां कुछ बहुत ही क्रीपी सा है, ऊपर से लड़का भी क्रीपी ही है। आगे वाला मत लो। अरे नौटंकी मत करो यार। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती बच्चे हैं, इन्होंने नदी में से पत्थर निकाल निकाल के यहाँ से नदी तक का एक रास्ता बना दिया एक्ट करने के लिए, और अभी ये लोग उसी काम में लगे हुए हैं। तो नहीं, क्या करके रहते हैं ये लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। प्रेम में नहीं आना चाह रहा। मैं याद दिलाऊंगी, अब गुस्साने दो क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। ध्रुव सबसे आगे आगे चल रहा है। एक सृष्टि वहां से कैरेक्टर में थी, उनको नहीं पता बीच में ब्लॉग बना रही थी। वेरी गुड। पकड़ 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 अरे पकड़ लेना नीचे, चल
हमने बाल ठीक कर रहा है। अभी हम लोगों ने वो प्लेस पूरी वहाँ से घास फूस काट के पूरी तैयारी कर ली। हमने वहाँ हमारा स्पेस बन चुका है, हमने रास्ता बना दिया है सर के आने के लिए और एक्ट करने के लिए भी। और अब हम आज वहाँ पे एक्ट करेंगे और ये सब कुछ हमने नदी में से पत्थर निकाल निकाल के यहाँ पे रास्ता बनाया है और भी बहुत सारे रास्ते बनाए हमने, तो वो हम दिखाएंगे। और यहाँ पे करण जो है अपनी नाव तैयार कर रहा है छोटी सी, क्योंकि ये एक व्यापारी बना है, वो फेमस नहीं होना चाहता, उसे ब्लॉग में आना पसंद नहीं आ रहा है और वो बहुत ही गंदा आदमी है। अब हम सारे बच्चे अपनी अपनी काम में लग गए हैं। हम दिखा रहे हैं कि आफ्टर आदि मानव जो लोग रहते थे वो कैसे रहते थे, उनका क्या तरीका था, मिट्टी के बर्तन और खाना पीना, घास फूस, नदी में से पानी लाना, अपना काम करना। और हमने ये पत्थर से अलग अलग ब्लॉक्स बना रखे हैं। और ये करण ने अपनी नाव बना ली है और यहाँ से एक्ट स्टार्ट हो गया हमारा। करण ने बहुत मेहनत से ये नाव बनाई है, तो और ये जो रास्ता दिख रहा है आपको बीच से पत्थरों का, ये हमने खुद बनाया है। और सर उस पार से हमारा ये एक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये हमने एक मंदिर बना रखी है प्राचीन टाइप की एक साइड में, और ये एक चोर है। और हमें लास्ट में दिखाया कि कैसे महामारी से लोग मरने लगे और बाकी बचे हुए लोग अपना गांव छोड़ कर के चले गए। तो इसका बहुत ही सैड एंड है इस एक्ट का। चलो गाइस पैक अप। I'm freaking tired, guys. अजीत सर और ये रखा है। ओ सॉरी सर। और ये भाई हैं। इधर भी भाई। इधर। हाँ सिखाते रहिए।
यार ये सर का नाम शायद बहादुर कुछ बोलते हैं वो सो रहा था जग गया तुरंत अभी ये यहाँ पर करण सोता है वहाँ जावेद और यहाँ पर अंकित भाई जो अभी अब्सेंट हैं और यहाँ पे मैं थैंक यू आपने ये पूरा ब्लॉग देखा और एंड में सचिन के माध्यम से आपने बॉयज़ हॉस्टल भी देखा। तो ये है हमारा आज का ब्लॉग, तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर और देखते रहिए हमारे ब्लॉग।